देखिए हमारा ये ड्रेस बनकर तैयार है। आप ये देखिए पैंट भी हमारी साफ दिख रही है, चुन्नी दुपट्टे में भी हमने फ्रिल लगा दी थी, आप देख सकते हैं बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डिजाइनर ड्रेस बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए दिवाली का अवसर है तो सभी को नई नई ड्रेसें पहनने का शौक होता है। तो मैं आपको आज डिजाइनर ड्रेस बताऊंगी, जिसके लिए पैंट प्लाजो वाली ये ड्रेस है। पैंट बताऊंगी नीचे और ऊपर फ्रॉक बताऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने नाप लिख रखा है, नाप मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए देखिए मैंने ये नेट ली है, ये नेट ली है, ये अस्तर लिया है और ये मैंने चोली के लिए कपड़ा लिया है। तो मैं आप इसको इसकी ड्रेस का वीडियो स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम अस्तर काटेंगे, क्योंकि अस्तर में हमको क्या है, चोली के लिए सबसे पहले अस्तर निकालना है, फिर हम मेन कपड़ा काटेंगे। तो हमारी पूरी लंबाई नाप के अनुसार 38 थी, तो 38 में से हम 14 इंच की चोली निकाल देंगे। ये देखिए 14 इंच की चोली निकाल देंगे हम, तो उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा आपके पास। ये कट कर दीजिए यहाँ से, ये देखिए। अब ये चोली पे नाप लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए आपका शोल्डर था 14, 14 में आपने आधा किया, आधा का 7 और 7 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस करते हैं तो 6, हम कंधी भी 6 ही उतारेंगे। देखिए हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर हमारा 14 है, 14 का आधा करेंगे तो 7 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमने कंधी का निशान लगाया, जैसा कंधी के निशान लगाते हैं वैसा ही हम कंधी भी उतारते हैं। अब हम ये कोना बना लेंगे, उसके बाद 1.5 इंच पे गोलाई, ये देखिए इस प्रकार। सीना हमारे पास 28 है, तो 28 है तो 28 का चौथा करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 में हम 1 इंच जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। आपको पता है हम जब भी फ्रॉक या ब्लाउज का नाप लगाते हैं तो हमेशा 1 इंच जोड़ते हैं। कमर हमारी 22 है, 22 के अनुसार ये 5.5 आएगी और 5.5 में हम 1.5 इंच जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 7 हो जाएगी। और हम 1.5 इंच का दोनों तरफ मार्जिन निकाल देंगे और इसी प्रकार आप इसे कट करके अलग कर दीजिए। ये हमारा आगे का भाग है, मैंने एक पीस निकाल के अलग कर दिया है। आगे के भाग में हम क्या करेंगे, गला हम 3 इंच पे, क्योंकि हम बॉट नेक बना रहे हैं देखिए, तो हम 3 इंच पे गला लेंगे और गला आगे की तरफ गला हम 4.5 पर उतार रहे हैं। ये 4.5 पे निशान लगा दिया मैंने और ये वाली आधे इंच की कटिंग आपको अंदर से करनी है, ये आधे इंच की कटिंग कर दी है। अब इसको अलग कर दो। ये इस प्रकार से गला अलग कर लीजिए और पीछे का गला 7 इंच पे लगाना है, तो 7 इंच पे आप जो भी आपको नेक डिज़ाइन रखनी हो उस प्रकार आप रख सकते हैं। मैं सिंपल गोल गला इसमें रखूँगी। जैसे हमने ऊपर की तरफ गले में निशान लगाया 3 इंच पे और नीचे हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे, ये देखिए इस प्रकार, और इसे गोल निशान लगा दीजिए, इसको कट कर दीजिए। देखिए अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है, मैंने मेन कपड़ा लिया है और इसके ऊपर अस्तर बिछा दिया है। आप अस्तर पे रखकर इसको अलग कर लीजिए। मैं आपको जब स्टिच करूंगी तब आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसे आपको स्टिच करना है। अस्तर को हल्का सा बड़ा ही काटिए, ताकि क्या हो, कभी भी छोटा बड़ा हो तो आपको दिक्कत ना आए। ये मैंने दोनों पीस काट कर अलग कर लिए हैं। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताऊँगी। देखिए अब मैं आपको फ्रिल वाली आस्तीन की कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले हमारी लंबाई कितनी थी, 11 थी। 11 में आप 1 इंच बढ़ाकर रखिए, ये मैंने 12 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद हमारी मोहरी कितनी है, 7 मोहरी है। 7 के हिसाब से 3.5, 3.5 में 1 जमा कीजिए आप तो आप कितना ले लेंगे, 4.5। ये 4.5 इंच पे लगा देंगे निशान। और जैसे मैंने आपको लंबी आस्तीन का नाप बताया है, ऊपर से 2.5 इंच नीचे लीजिए। ये ऊपर से नीचे हमने 2.5 इंच ले लिया है और इसे ब्रैकेट बना लीजिए और ये यहाँ पे भी आप 2.5 इंच पे निशान मार्क लगाइए और कोना बनाइए, कोना बना के और ये गोलाई यहाँ पे दे दीजिए, देखिए इस प्रकार से। और इस निशान को इस निशान से इस प्रकार मिला दीजिए, ये देखिए निशान। देखिए मैंने आस्तीन काट के अलग कर ली है, आपको समझ में आ गई होगी। ये हल्की सी गोलाई वही सेंटर का निशान लगा लीजिए। सेंटर का निशान आप कटिंग करते वक्त ही लगा लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ये आपकी फिटिंग की सिलाई हो जाएगी। अब हम इसे नीचे की फ्रिल काट,
अब हमने इसकी फ्रिल काटने के लिए कपड़े को डबल कर लिया है। डबल के बाद हमने कपड़े को चार वर्ता कर लिया है और चार वर्ता करके फिर हम इसको अम्ब्रेला घुमा लेंगे। ये देखिए मैंने जैसे अम्ब्रेला की कटिंग आपको बताई है सेम उसी प्रकार आपको कपड़े को घुमाना है। ये मैंने घुमा लिया है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए आपकी आस्तीन की गोलाई कितनी थी। आपकी आस्तीन की गोलाई 4.5 हमने रखी थी, 4.5 के हिसाब से 2 इंच हमने ये लिया है और 2.5 इंच ये ले लिया, तो ये हमारा 4.5 इंच आ गया। और हमको 4 इंच की फ्रिल लगानी है। ये देखिए मैंने 4 की फ्रिल लगाई है, ये 4 इंच की फ्रिल, और चारों तरफ आप 4-4 इंच का निशान लगा दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से, कलर थोड़ा सा अलग है, आपको निशान बराबर नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए इस प्रकार से मैंने फ्रिल काट ली है। ये देखिए आप, ये इस प्रकार से अम्ब्रेला फ्रिल हम फ्रॉक के अंदर लगाएंगे। और आप देखिए फिर उसके ऊपर जो डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी वो आप वीडियो में पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। देखिए ड्रेस के हिसाब से चोली की कटिंग हमने कर ली है, अब मैं आपको नीचे के घेर की कटिंग बताऊंगी। मैं आपको अम्ब्रेला घेर की कटिंग पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा से वीडियो में बता रही हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए और तभी आपको ये ड्रेस का वो समझ में आएगा। ये देखिए अब ऐसे मैंने डबल कर लिया है कपड़े को। अब इसको हम तिकोना इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार तिकोना फोल्ड कर लिया। घेर का निशान लगाएंगे। ये देखिए घेर का निशान हम इसमें लगा रहे हैं। मैंने घेर का निशान 6 पर लगाया है ताकि अपनी चोली में पूरा फिट हो जाए। अब आप इसे, हमने 14 इंच की चोली निकाली थी तो 38 लंबाई है हमारी, 38 में से 14 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 में से मैंने 1 इंच सिर्फ बढ़ाकर उसको लिया है, 25 पे निशान लगाया है। अब चारों तरफ से आप 25 पे निशान लगा लीजिए, कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए ये अम्ब्रेला घेर मैंने कट कर दिया है और इसकी चोली भी यहाँ से ऊपर से। ये देखिए आप अम्ब्रेला घेर देख सकते हैं बराबर। ये जो हमने मेन नेट लिया है सेम इसे रख के आपको नेट काटना है। देखिए मैंने घेर पे नेट को रख के काट लिया है। देखिए ये 4 वर्ता नेट हो गई है, ये मैंने पूरी कट करके अलग कर ली है, आप भी इसी प्रकार कीजिए और ये आपका घेर तैयार। देखिए मैंने आपको पूरी ड्रेस की कटिंग बता दी। ड्रेस की डिजाइन देखेंगे उस हिसाब से नीचे उसमें छोटी छोटी फ्रिल लगी है। फ्रिल के लिए आपको क्या करना है, सीधी पट्टी की पट्टियां काटनी, सीधे कपड़े में पट्टियां काटनी है तो वो पट्टियां आपको 1.5 से 2 इंच की काटनी है। तो मैं ये 1.5 से 2 इंच की मैंने कपड़े को 4-5 वर्ता घड़ी कर लिया है और इकट्ठी इसकी 4-5 पट्टियां 1.5 इंच की आपको निकाल लेनी है। आप निशान लगा लीजिए और 1.5 इंच की पट्टी निकाल दीजिए इस प्रकार से। देखिए हमने पट्टियाँ काट ली हैं, ये इस प्रकार की पट्टियाँ कटेंगी जो आपकी फ्रिल में नीचे घेर में हम सल बनाकर लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। देखिए एंकल पैंट के लिए आपको लंबाई में आपको 2 इंच बढ़ाना है, कमर में आपको 4.75 इंच जोड़ना है और हिप में भी आपको 4.75 इंच जोड़ना है। 26 का 4 करेंगे तो 6.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 9 इंच आएगा हमारे पास, और 30 का 4 करेंगे 7.5 में हम 2.5 इंच जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 इंच आएगा। तो मैं इसी के हिसाब से आपको एंकल पैंट बनाना बताऊंगी। देखिए नीचे हम लंबाई को 38 तक नाप ले रहे हैं। देखिए कमर का निशान मैं लगा रही हूँ, कमर का निशान हमारा 26 था, 26 में हमने 4 किया तो 6.5 में हमने 2.5 इंच जोड़ा तो 9 इंच आया, ये हमने 9 इंच का निशान लगा दिया है। और यहाँ पे हमने जो थाई का निशान लगाया, आसन भी हमने इसका 9 इंच लिया है। आप कमर का 9 इंच लेंगे तो आसन भी 9 इंच लेंगे, और 9 इंच के बाद में अपने को क्या करना है, ये जो थाई वाला हिस्सा है उसको हम 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो देखिए मैंने ये 10.5 पे निशान लगाया और उसके बाद आपको मोहरी तक 1-1 इंच घटा के निशान लगाना। ये देखिए मैंने 9 पे निशान लगाया, उसके बाद मैंने 8 पे निशान लगाया, उसके बाद मैंने 7 पे निशान, और फिर हम सीधे 5 पे निशान हमने मोहरी के हिसाब से लगा लिया है। और इन चारों पांचों निशानों को आपको इस प्रकार गोलाई में मिला देना है। देखिए मैंने काट के अलग कर लिया है। अब हम इसे, ये मैंने फ्रंट साइड काटा है। पैंट को आप हमेशा 2 साइड में काटिए और इसको ना, अब मैं आपका इसका बैक साइड काटना बताऊंगी। देखिए इसको कपड़े को आपने ऐसे फैलाया, एक साइड से आपके इस प्रकार से ये ना पैंट निकल गया एक साइड, दूसरी साइड को आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस प्रकार रखना है। ये देखिए ये निशान लगाने वाला साइड था हमारा, ये एक पे हमने निशान लगाया है और बाकी को आपको हल्का सा बढ़ाते हुए इसको रखना है। देखिए इस प्रकार से नीचे से बिल्कुल बराबर रखिए। ये देखिए आप यहाँ से निशान देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। देखिए आप क्लियर देखिए, मैं इसको बता रही हूँ आपको, ये 1.5 इंच आपको मोहरी की तरफ से बढ़ाना है और कमर की तरफ से आपको 2.5 इंच बढ़ाना है। ये देखिए ये कमर की तरफ से आपको लगभग 2.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि पीछे के हिस्से में हम इलास्टिक डालेंगे इसलिए आपको ये 2.5 इंच बढ़ा के रखना है। ये देखिए इस प्रकार से,
और आपको इसी शेप में पूरा कट करके अलग कर देना है। देखिए ये पैंट और ये प्लाजो की फ्रॉक की मैंने कटिंग कर ली है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कटिंग समझ में आएगी। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करते रहें। जो भी आपको दिक्कतें आएँ वो आप हमें बताएं, ताकि हम सॉल्यूशन निकालें और आपको वीडियो डाल सकें।